सो हैलो गाइस, वेलकम ऑन चैनल टेकोडॉक। दिस इज अक्षय। बहुत टाइम बाद मैं फिर से वापस आ चुका हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और फ्रेंड्स, अब से मैं डेफिनेटली इस चैनल पे रेगुलर रहूंगा, तो एक से एक बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए मैं लेके अब आने वाला हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस बनाता रहूं। और साथ ही साथ आपको जिस चीज पे भी वीडियो चाहिए, आप प्लीज उससे कमेंट कर दें, ताकि मुझे एक कंटेंट मिले। और आपको इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन प्लस के सबसे हाई एंड फोन वन प्लस 8 प्रो के बारे में। फ्रेंड्स, ये और हैवी यूजर्स के बाद मैं इस फोन के बारे में आज आपको पूरा बताने वाला हूँ। A to Z आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, साथ ही में किन लोगों के लिए ये फोन नहीं है, और उस रेंज में कौन कौन सी और अच्छी फोन है जिसको आप परचेस कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, ताकि आपसे एक भी पॉइंट छूट ना पाए। तो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं फोन के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। तो नीचे के साइड में आपको मिल जाता है चार्जिंग पोर्ट, साथ ही साथ मिल जाता है सिम ट्रे, और साथ ही साथ मिल जाता है आपको स्पीकर, जो कि इनफ टू हियर है, अच्छी खासी लाउड है। आपको वैसे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, आप आराम से म्यूज़िक सुन सकते हो, लाइक रिंगिंग वगैरह सब कुछ सही होता है। साइड ओवरव्यू की अगर हम बात कर लें, तो साइड में हमें मिल जाता है ये पावर बटन, साथ ही साथ में मिल जाता है ट्रिगर। फ्रेंड्स, अब जिनको ट्रिगर के बारे में नहीं पता, तो मैं बता दूं, जो लोग आईफोन्स यूज़ कर चुके हैं, तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शंस मिलता है लेफ्ट साइड में, कि आप फ़ोन को डायरेक्टली रिंग टू वाइब्रेशन मोड में कन्वर्ट कर सकते हो। मीन्स आपका फ़ोन डायरेक्ट सिंपल एक ट्रिगिंग से, रिंगिंग से डायरेक्ट वाइब्रेट में चला जाएगा। तो जो लोग वो यूज़ किए हो उनको पता होगा, नहीं यूज़ किए हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर भी ऊपर की ओर में मिल जाता है आपको एक नॉइस कैंसिलेशन माइक, साथ ही साथ दूसरे साइड के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है वॉल्यूम रॉकर, अप एंड डाउन का की। और पीछे की ओर में अगर बात कर लेते हैं, तो पीछे में आपको 4 कैमरा सेटअप मिल जाता है, साथ ही साथ ड्यूल टोन LED फ्लैश मिल जाता है, वन प्लस का लोगो। और इनबिल्ट की अगर हम बात करें, तो आपको ये फ़ोन एल्युमिनियम बॉडी के साथ में मिल जाता है, तो आप केस लगा के ही रहो, आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो स्क्रेचेस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मैंने खुद बिना कवर का कुछ टाइम यूज़ करा, उसके बाद विजिबल स्क्रेचेस देख पा रहा हूँ इस फ़ोन पे। तो प्लीज़, आपको अगर कवर मिलता है जो प्रोवाइड किया गया है कंपनी की तरफ से, वो आप यूज़ करो, अदरवाइज आफ्टर मार्केट परचेस करके आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं फ़ोन के बारे में। अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूं, तो आपको 6.78 इंचेस का फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि कर्व्ड एजेस के साथ में आता है। आप देख सकते हो, तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं फोन के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फोन की प्रोसेसर की। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये वन प्लस का एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, तो प्रोसेसर इसमें बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। आपको इसमें प्रोसेसर मिल जाता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 865, जो कि ये फ़ोन 5G एनेबल्ड है, तो ये बिल्कुल आपके लिए एक फ्यूचर प्रूफ फ़ोन हो सकता है। मीन्स आप इसको आराम से अगले 2-3 साल यूज़ कर सकते हो, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर प्रोसेसर की बात करूँ, तो वन प्लस प्रोसेसर के मामले में पहले से ही बहुत अच्छी रही है, और क्योंकि ये इनका एक प्रीमियम फ़ोन है, फ्लैगशिप वाला फ़ोन है, इसलिए इन्होंने इसमें यूज़ करा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 865 चिपसेट। तो आपको गेमिंग वगैरह में कहीं भी कोई भी डेली लाइफ या हैवी यूजेस आप करो, वहाँ पे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ थोड़ा बहुत बैटरी ड्रेनिंग का इशू आता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस फ़ोन में आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है, इसलिए वो थोड़ा सा बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो आप अगर बैटरी एफिशिएंस अपना बचाना चाहते हो, तो आप 120 हर्ट्ज़ से नीचे भी आ सकते हो, लाइक 90 हर्ट्ज़ पर अपना फ़ोन चला सकते हो, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बट क्योंकि उन्होंने पहले से ही दे रखा है इसमें 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, तो आप बिल्कुल उसको यूज़ करो, इतना तो चलता है, आप यूज़ कर सकते हो, थोड़ा बहुत बैटरी मैनेज कर सकते हो, उसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 120 हर्ट्ज़ बेसिकली यूज़ करने में आपको एक न्यू और इन्हेंस फीचर वाली फीलिंग आएगी, लाइक बहुत ही अच्छा एक प्रीमियम सेगमेंट वाला फ़ोन वाला फीलिंग आता है इसको यूज़ करने में। तो आप बिल्कुल 120 हर्ट्ज़ पे फ़ोन यूज़ करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। OS की बात अगर कर लेते हैं इस फ़ोन की, तो इसमें आपको ऑक्सीजन OS, जो कि बेस्ड ऑन Android 11 मिलता है। पहले ये आपको Android 10 बेस्ड मिलता था, बट आफ्टर द अपडेट आपको ये Android 11 मिल जाएगा। साथ ही में अगर बात कर लें फ़ोन की रैम और रोम के बारे में, तो ये फ़ोन दो वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ था,
एक आपको मिल जाता है 8 GB, 128 GB इंटरनल स्टोरेज और साथ ही साथ 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में, और दूसरा आपको मिल जाता है 12 GB रैम और साथ ही साथ 128 और 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेरिएंट लेना चाहते हो इसका। 8 GB वाला भी गुड इनफ है। मैंने जो फ़ोन परचेस करा है, जो मेरे पास है, वो खुद 8 GB वाला है, बट इट इज़ सफिशियंट। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हो। बट जिनको चाहिए हाई रैम मैनेजमेंट वाला फ़ोन, हाई रैम वाला फ़ोन, वो 12 GB वाला ऑफकोर्स परचेस कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा लेना चाहते हो। आगे अगर बात कर लेते हैं बैटरी कैपेसिटी की, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 4510 mAh की बैटरी, जो कि 30W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। आपको अगर आप चाहो तो आउट ऑफ द मार्केट जाके वायरलेस चार्जर परचेस कर सकते हो, या फिर आपको जो चार्जर इसके साथ मिलता है उसको आप यूज़ कर सकते हो। चलिए अब कैमरे के ऊपर में आते हैं। तो फ़ोन की जो रियर मेन कैमरा है उसके बारे में अगर बात कर लें, तो यहाँ पे उन्होंने जो सेंसर यूज़ करा है इसमें, वो सोनी का IMX689 सेंसर है, जो कि 48 MP कैमरा के साथ में आता है। इसमें आपको OIS का सपोर्ट मिल जाता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन जिसको बोलते हैं, साथ ही में EIS भी मिल जाता है, जिससे कि आपकी जो वीडियो क्वालिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेडी हो जाती है, हिलता नहीं है वीडियो ज़रा सा भी, एकदम स्टेडी होकर शूट होता है वीडियो, जो कि एक बहुत ही अच्छा फ्लैगशिप वाला फीचर है आप कह सकते हो इसको। बहुत सारा हाई एंड डिवाइसेस में अब ये फीचर आ रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर हो गया आपके लिए। कहो अगर आप एक वीडियोग्राफी करते हो फ़ोन से, फोटोज़ वगैरह लेते हो, तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अपेचर की अगर बात करें इसकी, तो यहाँ पे आपको f1.7। उनके दूसरे कैमरे की अगर बात कर लें, तो यहाँ पे आपको एक टेलीफोटो लेंस के लिए 8 MP का कैमरा दिया गया है, और साथ ही में तीसरे कैमरे की अगर बात कर लें, तो यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल 48 MP का एक और कैमरा दिया गया आपको, साथ ही में कलर फिल्टर्स लेंस वाला एक 5 MP का कैमरा दिया गया है। फ्रंट कैमरे की अगर बात कर लें, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है सोनी का IMX471 सेंसर, साथ ही साथ यहाँ पे 16 MP का आपको कैमरा मिलता है, लेकिन ये फ़ोटोज़ अच्छी क्लिक करता है मैंने देखा है, बट यहीं पे आपको वो कलर वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, ओवर सेचुरेटेड जो होता है फ़ोटो कैमरा। मुझे इसका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, जिस टॉप ऑफ द पॉइंट इसका प्राइस आया है जैसा, उस हिसाब से कैमरा इसका मैं नहीं बोलूँगा। तो जो कैमरा लवर्स हैं, बेसिकली इस रेंज में आपको बहुत सारे फ़ोन्स मिल जाते हैं, लाइक एप्पल के भी फ़ोन्स आ जाते हैं, आईफोन 11 वगैरह, उनकी कैमरा बहुत ही अच्छी है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोनों ही फ़ोन्स का, आप जाके वहाँ से कंपेयर कर लो, देख लो, अगर जो आप फ़ोन आपको अच्छा लगता है आप जाके उसे परचेस करो, और साथ ही साथ मुझे भी बताना कि कौन सा फ़ोन आपको पसंद आया। साथ ही में फ्रंट कैमरे की अगर बात करें, तो यहाँ पे आपको EIS का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फ़ोन की डिस्प्ले और साउंड क्वालिटी के बारे में, कि फ़ोन का डिस्प्ले कैसा है, वीडियोज़ आपकी कैसी चलती हैं इस पर, और साथ ही साथ साउंड क्वालिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ। तो चलिए अब आ जाते हैं फ़ोन की साउंड क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी के ऊपर। तो मैं भी आपको एक वीडियो क्लिप चला कर दिखा रहा हूँ यहाँ पे, साथ ही साथ वो वीडियो साउंड के साथ में है, तो आप खुद ही देख सकते हो कि इसका साउंड कितना अच्छा है, कितना लाउड है, और साथ ही साथ डिस्प्ले किस क्वालिटी की है इसकी। तो चलिए मैं भी आपको दिखा देता हूँ, और डिस्प्ले और साउंड क्वालिटी इसका देख के आप कमेंट करना वीडियो के लास्ट में कि आपको इसका डिस्प्ले कैसा लगा, और साथ ही साथ साउंड क्वालिटी आपको इसकी कैसी लगी। ओके,
तो फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में जाके कमेंट जरूर कर देना आप कि आपको वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी और साथ ही साथ साउंड क्वालिटी आपको कैसी लगी इस फ़ोन की। और साथ ही साथ मैं आपको एक सरप्राइजिंग चीज़ इस फ़ोन का बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे मोनो ऑडियो का नहीं बल्कि डुअल स्टीरियो ऑडियो का सपोर्ट मिल जाता है। मींस इसके बोथ स्पीकर जो ईयरपीस वाले स्पीकर होते हैं साथ ही साथ जो आपको स्पीकर नीचे दिया गया होता है वो दोनों एक साथ वर्क करता है जिससे कि सराउंड साउंडिंग आपकी बहुत ही अच्छी आती है। तो चलिए यहीं पर करते हैं इस वीडियो को लास्ट और डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको इस फ़ोन का परचेजिंग लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो फ़ोन का क्या है कंटेंट, अभी क्या प्राइसिंग चल रहा है, आपको क्या डिस्काउंट्स आने वाले हैं और साथ ही साथ आप कुछ और अगर इस फ़ोन का छूट गया है मेरे से तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और स्टे ट्यून्ड रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल पे, मैं अब रेगुलर अपडेट करता रहूँगा वीडियोज़। तो चलिए बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही, और भी अगर आपको कुछ जानना हो इस फ़ोन के बारे में तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं वहाँ पर आपको इसके बारे में बता दूँगा। थैंक यू।